नमस्कार, न्यूज इंडो नेपाल में आपका स्वागत है। पेश है आज की मुख्य खबरें। बीते रोज धारचूला क्षेत्र के अंतर्गत चलना छलमा चिलासो निवासी नाबालिग की चाकू मारकर हत्या करने वाले युवक का दूसरे दिन भी कोई पता नहीं लग सका। घटना के बाद हत्या करने वाले युवक ने काली नदी में छलांग लगा दी थी। रविवार को धारचूला कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक कुंवर सिंह रावत के नेतृत्व में पुलिस SDRF की टीम ने काली नदी और उसके आसपास सर्च अभियान चलाया, लेकिन युवक का कोई पता नहीं लग सका। युवक के नेपाल भागने की आशंका को देखते हुए नेपाल पुलिस से भी समन्वय बनाया गया है। जिला सहकारी बैंक भर्ती गड़बड़ी मामले में 2.25 साल बाद कार्रवाई हुई है। 156 कर्मचारियों की भर्ती पर उठे सवालों के बाद कराई गई जांच मिलने के बाद 12 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया गया। रजिस्टर कोऑपरेटिव की ओर से देहरादून, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक को कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जांच में 12 लोगों के प्रमाण पत्र गलत पाए गए हैं। जिन बैंकों में गड़बड़ी हुई है उन बैंकों के अध्यक्ष पर भी कार्रवाई की तैयारी है। उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की भूमिका तैयार की जा रही है। नगर की पेयजल समस्या को लेकर जागुटा पहाड़ के बैनर तले चल रहा आंदोलन रविवार को भी जारी रहा। गांधी चौक में विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन कर धरना दिया। धरना स्थल पर हुई सभा में पूर्व कर्मचारी नेता RS खनका, सामाजिक कार्यकर्ता अमन खड़ायत ने कहा कि करोड़ों रुपए की पेयजल योजना बनाए जाने के बाद भी नगर के लोगों को पानी नहीं मिलना गंभीर मामला है। अब इसकी उच्च स्तरीय जांच बेहद जरूरी है। इसमें एशिया की दो सबसे बड़ी पानी की योजना चल रही है, उसके बावजूद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जल संस्थान की हठधर्मिता और निकम्बेपन से जो पिथौरागढ़ में आज पानी क्राइसिस हो रही है, ये पूर्णतः इसमें जल संस्थान की जिम्मेदारी है और जल संस्थान का निकम्बनापन है। नहीं तो जिस शहर में दो इतनी बड़ी योजना चल रही है, पानी के अभाव किस तरह से हो जाए। इनका पानी का बंटवारा और रख रखाव और इनके जो काम करने की शैली है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं पिथौरागढ़ के, पानी की जरूरत सभी को है। सभी को मौजूद होके जाग उठा पहाड़ का साथ देना चाहिए और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, क्योंकि जरूरत पानी की सभी को है। चाहे मैं हूँ, गोपदा है, सभी को पानी की जरूरत है। तो एकजुट एकमुठ होके अभी साथ देना चाहिए और जल संस्थान को होशमाना चाहिए। जागुटा पहाड़ के संयोजक गोपू महल ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जिले के नारायण नगर क्षेत्र के सैनीपातल गांव की रहने वाली रश्मि अधिकारी भारतीय सेना की नर्सिंग सेवा में लेफ्टिनेंट बन गई हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रविंद्रनाथ टैगोर पब्लिक स्कूल नारायण नगर से ली, फिर केंद्रीय विद्यालय और इंटर नोजगे पब्लिक स्कूल खटीमा से किया। नर्सिंग कॉलेज टीरी गढ़वाल से 4 साल का डिप्लोमा लेने के बाद उन्होंने मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में कमीशन प्राप्त किया। उनके पिता ललित अधिकारी 9 पैरा से सेवानिवृत्त होने के बाद गुजरात की एक कंपनी में अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं। उनके दादा भी सेना में सूबेदार थे और परदादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता को दिया। आदि कैलाश यात्रियों का 12वां दल रविवार को पिथौरागढ़ पहुंचा। कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंधक दिनेश गुरुरानी ने यात्रियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। यात्रियों ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रबंधक दिनेश गुरुरानी ने यात्रियों को हिमालय बचाओ अभियान के तहत शपथ दिलाई। यात्रियों को उच्च हिमालय में पौधारोपण के लिए पौधे भी दिए गए। यात्रा दल में 15 महिलाएं 17 पुरुष शामिल हैं। सर्वाधिक 27 यात्री छत्तीसगढ़ के हैं। गढ़वाल मंडल में वाहन दुर्घटनाएं थम नहीं रही हैं। रविवार को पौड़ी जनपद के खिरसू में एक स्विफ्ट कार गहरी खाई में जा गिरी। कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। घटना में 3 लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना कठुली गांव के पास घटी। पूरा परिवार कठुली से परसुंडा खाल विवाह समारोह में शामिल होने जा रहा था। पौड़ी में रविवार को यह दूसरी घटना हुई। इससे पूर्व सतपुली में एक टाटा सूमो खाई में जा गिरी जिसमें 10 लोग घायल हो गए थे। घटना पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने गहरा दुख जताते हुए घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। चंपावत जिले के पाटी विकासखंड के रमक गांव में शनिवार की रात एक युवक ने अपनी मां और 2 ग्रामीणों को चाकू मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया।
इसके बाद उसने खुद को भी चाकू मार लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रमक गांव के 37 वर्षीय दयानंद जोशी गांव के ही युवक जीवन और खिलानंद को मारने के लिए चाकू लेकर निकला। उसकी मां पार्वती देवी ने उसे रोकने की कोशिश की। इसी कोशिश में पार्वती देवी के पेट में चाकू लग गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। इसके बाद दयानंद ने दोनों लोगों को भी जख्मी कर दिया और खुद को भी घायल कर दिया। बताया गया है कि दयानंद ने हवाई फायर भी किया। फायर की आवाज सुनकर ग्रामीणों को घटना का पता लगा। सूचना मिलने पर पार्टी के थाना अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कोरंगा मौके पर पहुंचे। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि अभी मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है, मामले की जांच की जा रही है। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर, तो देर किस बात की। अभी संपर्क करें या चले आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। इन खबरों के साथ खत्म होता है ये बुलेटिन, लेकिन खबरों का संचार जारी रहेगा। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। NIN सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।